दोस्तों, सेल जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसकी एक यूनिट है बोकारो झारखंड में, उसकी तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो सेल से संबंधित थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सेल आप क्यों ज्वाइन करेंगे, तो जो भी कैंडिडेट जो झारखंड का लोकल का है या फिर आसपास के स्टेट में रहता है, जो उससे लगे हुए हैं, उनके लिए सेल की जॉब बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट जॉब यदि आपको मिलती है तो आप उसको रिसीव कर ही लीजिए, आप जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और उसी बेस पे फिर आपको दूसरा टारगेट बनाना है। अब जो सेल से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि एनओसी को लेकर है, एनओसी यहाँ पे नहीं दी जाती है, 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही जो है एनओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ एक छूट है कि आप कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है और आप फार्म भी भर सकते हैं। बस दिक्कत इतना ही है कि आप यहाँ के बारे में यदि बताते हैं तो फिर आपको एनओसी नहीं मिलेगी और बिना एनओसी के आपको कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग नहीं देगी, चाहे वो पीएसयू हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और दूसरी बात है ट्रेनिंग को देखें, ट्रेनिंग 2 वर्ष की रखी गई है जिसमें पूरी सैलरी नहीं दे रहा है। फर्स्ट ईयर में 8,000 है और जो सेकंड ईयर है उसमें 10,000 आपको दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक वालों के लिए मात्र 2,000 का अंतर रहता है, फर्स्ट ईयर में उनको 10 मिलेगा तो सेकंड ईयर में उनको 12 मिलेगा। और यदि प्रॉफिट की बात को हम देखें तो सेल पिछले कुछ वर्षों से प्रॉफिट में नहीं चल रही है, जिसके कारण इसका पे रिवीजन नहीं हो पाया है, जिसके कारण इसकी सैलरी अदर महारत्न कंपनियों से कम है, लगभग 10,000 रुपये का अंतर फिर भी है सैलरी में। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सभी महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। सबसे पहला पोस्ट का नाम दिया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, S3 ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। टोटल पोस्ट है 95। ब्रांच देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल की 20 पोस्ट निकाली गई है, मैकेनिकल की 25 है, मेटलर्जी की 35, केमिकल की 5, सिरामिक की 5 और इंस्ट्रूमेंटेशन की 5। UR की है 46। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं, करंट की 10 पोस्ट है, SC की बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है, ST कैंडिडेट करंट की 23 और बैकलॉग की 5। OBC की यदि बात करें तो करंट की है 10 और बैकलॉग की है 1। अब देखते हैं PWD के लिए, OH की 1 है, HH की 9, VH की 5, OTH की 1 और एक्स सर्विस मैन की है 14। टोटल वैकेंसी हो गई 95। अब पोस्ट नंबर देखते हैं, B ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, इनको भी जो है S3 ग्रेड के अंतर्गत रखा गया है और टोटल वैकेंसी है 10। UR की जिसमें 6 है, SC कैटेगरी करंट की 1, ST कैटेगरी करंट की 2, OBC की करंट कैटेगरी करंट की 1 है और PWD की बात करें तो केवल OH के लिए निकाला गया है, एक्स सर्विस मैन की 1 है। टोटल वैकेंसी हो गई 10। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन AITT S1 121 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है 21, जनरल कैटेगरी की 37 है और SC कैटेगरी करंट की 8 है और बैकलॉग की 15 है।
एसटी कैटेगरी करंट की 18 और बैकलॉग की 27। ओबीसी की बात करें तो करंट की भी 8 है और बैकलॉग की भी 8। पीडब्ल्यूडी ओएच की 8, एचएच की 4, वीएच की 9 और ओटीएच की 1 है। एक्स सर्विसमैन की 17 है और टोटल वैकेंसी है 121। अब डी नंबर की पोस्ट देखते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, आईटीआई, S1 ग्रेड और 49 टोटल पोस्ट है। ट्रेड देख लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन की है 12 पोस्ट, मशीनिस्ट की है 8 पोस्ट, वेल्डर की है 7 पोस्ट, फिटर की है 12 पोस्ट और रिगर की है 10 पोस्ट। यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की भी कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की है बैकलॉग की 49 जो कि प्रीवियस वैकेंसी है, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, 49 है। ओबीसी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब हम देखते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। ओएच की है 7, एचएच की है 2, वीएच की 7 और ओटीएच की 1 है। एक्स सर्विसमैन की है 7, टोटल पोस्ट हो गई 49। अपर एज लिमिट देखते हैं, ओसीटी ट्रेनी 28 वर्ष, ओसीटी ट्रेनी बॉयलर की है 30 वर्ष और एआईटीटी एसीटी 28 वर्ष और एसीटी आईटीआई ट्रेनी ये भी 28 वर्ष है। और 5 वर्ष की छूट दी गई है एससी एसटी कैंडिडेट को और जो 3 वर्ष है ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कोटा के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन को रिलेटेड है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी ओसीटी के लिए 10वीं के साथ में 3 वर्ष का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सिरामिक या इंस्ट्रूमेंटेशन। बॉयलर का देखते हैं, 10वीं के साथ में 3 वर्ष का फर्स्ट क्लास बॉयलर में डिप्लोमा चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन के साथ में आईटीआई एनसीवीटी में और इसके साथ में ही अप्रेंटिस चाहिए किसी भी इंटीग्रेटेड जो सेल की यूनिट है उसमें अप्रेंटिस होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एसआरडी फॉर एसटी कैटेगरी ओनली, तो मैट्रिक प्लस आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर या रिगर ट्रेड में। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका होता है रिटर्न, उसके बाद होता है इंटरव्यू, फिर होता है मेडिकल और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग। रिटर्न की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और थ्योरी। थ्योरी आपकी आती है 80 नंबर की और बाकी के जो 20 नंबर रहते हैं अपने नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। पिछला यदि पेपर का एनालिसिस करें हम, भिलाई स्टील प्लांट की जो वैकेंसी निकली थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पे, और जीके से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर का करंट अफेयर या फिर जीके से और भी कुछ क्वेश्चन और साइंस के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नॉर्मली ग्रामर पूछी जाती है और थ्योरी रहती है कुछ हार्ड, क्योंकि पिछली बार जब पेपर हुआ था भिलाई स्टील प्लांट का तो उसमें सभी मशीनों से प्रश्न पूछ लिया था और फिटर वाले जनरली मशीनों के बारे में नॉलेज कम रहता है उनको, ना ही प्रैक्टिकल किए रहते हैं, इसलिए ये पेपर थोड़ा हार्ड हो गया था और थोड़ा सा डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे। अब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और इसके बाद होता है मेडिकल। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, ओसीटी ट्रेनी जनरल और ओबीसी 250, बॉयलर 250 और जो एआईटीटी है जनरल और ओबीसी वाले उनको 150 रुपये है।
अब आगे दिया है कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, साथ में ही इसका PDF डाउनलोड करने का भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, 29/1/2019 से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू है और इसकी लास्ट डेट है 18/2/2019।